देखिए बच्चों, हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट। और उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स मीन्स होता है फूल। मोस्ट फ्लावर्स आर कलरफुल एंड प्रेटी। अधिकांश या फूल सुंदर और आकर्षक होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। उनके विभिन्न आकार और आकृतियाँ होती हैं। मैनी फ्लावर्स हैव ए स्वीट स्मेल और फ्रेग्रेंस। उनमें बहुत सी अच्छी सुगंध होती है। बर्ड्स ग्रो इनटू फ्लावर्स। एक कली फूल में बदल जाती है। फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स। फूल फल में बदल जाते हैं। फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फूल आगे उपज में सहायता करते हैं या जनन में सहायक होते हैं। फ्रूट्स फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। फूल फल में बदल जाते हैं। फ्रूट्स कैरी सीड्स इनसाइड देम। फलों के अंदर बीज होते हैं। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, फॉर एग्जांपल मैंगो, एरिकॉट एंड प्लम। कुछ फलों में केवल एक ही बीज होता है, उदाहरण के लिए आम, एरिकॉट और बेर इत्यादि। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। कुछ फलों में बहुत से बीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, पपाया, पोमोग्रेनेट एंड वाटरमेलन। उदाहरण के लिए संतरा, पपीता, अनार और तरबूज इत्यादि। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। बीज फलों के अंदर सुरक्षित होते हैं। द सीड्स वी ईट आर कॉल्ड ईटेबल सीड्स। जिन बीजों को हम खाते हैं वे खाने योग्य बीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड ऑफ आलमंड, उदाहरण के लिए बादाम का बीज, ग्राउंड नट, मूंगफली, मस्टर्ड एंड कोकोनट, सरसों और नारियल इत्यादि। द सीड्स वी कैन नॉट ईट आर कॉल्ड इन एटेबल सीड्स। जिन बीजों को हम नहीं खा सकते उन्हें खाने के अयोग्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन सीड, मैंगो, चेरी, एरिकॉट आदि। एप्रिकॉट, उदाहरण के लिए तरबूज के बीज, आम के बीज, चेरी और एप्रिकॉट आदि के बीज। जनरेशन ऑफ सीड, बीजों का अंकुरण। एवरी सीड हैज बेबी प्लांट इनसाइड इट। हर एक बीज के अंदर एक पौधा होता है। दिस प्रोसेस ऑफ बेबी प्लांट ग्रोविंग फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इस प्रकार से पौधे आगे उपज में सहायक होते हैं। When we plant a seed, जब हम एक पौधे का बीज लगाते हैं, first the root and then the shoot grow out it, तब यह एक जड़ और उसके बाद तना विकसित होता है। It become a new plant, और इससे एक नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ प्लांट पूरा पढ़ लिया और इसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी लिखाए जा चुके हैं। ऑन द नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स। थैंक यू। और उठ जाओ।